Welcome back. A petition has now been filed in the Lucknow bench of the Allahabad High Court seeking directives to the Archaeological Survey of India to open 20 rooms inside the Taj Mahal in Agra to ascertain whether the Hindu idols and inscriptions are hidden there or not. सो आमिर के पास जाते हैं स्ट्रेट अवे. आमिर, ये जो पहले तेजो महल्ले की जो डिबेट थी, ये शायद दोबारा इट इज मेकिंग हेडलाइंस. दे बताया जा रहा है कि ये जो पिटिशनर है, इन्होंने पहले आरटीआई फाइल करी थी और उसका कोई जवाब नहीं मिला उन्हें. देखिए, ताजमहल को लेकर इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज इससे पहले भी सामने आ चुकी है अमिता. और अब से करीब 5 साल पहले अगस्त 2017 में इसी तरह की एक पिटिशन पर आगरा की एक लोकल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था, जिसमें बाकायदा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से एक एफिडेविट फाइल किया गया था. साफ तौर पर इस बात को कहा था कि कोई बात नहीं है, ताजमहल जो है वो एक टूम्ब की शक्ल में, एक मोजोलियम की शक्ल में एक इमारत है, एक बिल्डिंग है जो कि 17वीं शताब्दी में बनाई गई. हिंदू धर्म का किसी तरह से लेना देना नहीं है, या फिर वहां पर कोई रिक्वेस्ट यू टू स्टे ऑन विद अस. अपोलॉजीज फॉर कटिंग यू शॉर्ट देयर. वी हैव द बीजेपी मीडिया इंचार्ज ऑफ अयोध्या एंड द पेटिशनर इन द केस, डॉक्टर रजनीश सिंह, जॉइनिंग अस लाइव. डॉक्टर रजनीश सिंह, इफ यू कैन टेल अस व्हाट आर द डायरेक्शंस दैट यू आर सीकिंग फ्रॉम द कोर्ट. जी नमस्कार रजनीश जी, आपको अगर आवाज आ रही है तो बता सकते हैं आपने पिटिशन में क्या फाइल किया? सर, मैंने पिटीशन में बस इतना ही मांगा है कि मैंने ये क्लेम नहीं किया है कि वो शिव मंदिर है, मैंने ये क्लेम नहीं किया है कि वो पूजा स्थल है. मैंने सिर्फ इतना कहा है कि जो सारे विवाद के केंद्र है वो 22 कमरे हैं, आप एक बार उन 22 कमरों को खोल दीजिए ताकि जो विवाद है, जो विवाद की संभावना है, वो सारी संभावनाएं खत्म हो जाए. क्योंकि अब हिंदू मुस्लिम बहुत हो, अब देश हिंदू मुस्लिम नहीं देखना चाहता है. कल से मैं सुन रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि शिव मंदिर, मैंने कहीं नहीं क्लेम किया है कि वो शिव मंदिर है. मैं सिर्फ इतना लेके गया हूँ, एक आरटीआई के माध्यम से मुझे बताया गया कि वहां पे 22 कमरे बंद हैं सुरक्षा कारणों से. मैंने उनसे पूछा कि ये सुरक्षा कारणों से बंद है या राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से बंद है, तो उन्होंने कहा नहीं, सुरक्षा कारणों से बंद है. तब हमने कहा जब ये सुरक्षा कारणों से बंद है तो सुरक्षा कारणों को तो दूर किया जा सकता है. अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय होता तो अगर कमरे बंद है तो वो काफी सालों से बंद है, वहां पे कब्रें हैं और वहां पे सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है. ये सारी बातें तो पहले से पता है. अगर आपने आरटीआई फाइल करी है तो उसमें क्या जवाब मिला आपको? मैडम, उन्होंने बताया कि 22 कमरे सुरक्षा कारणों से बंद है और उन्हीं 22 कमरों की वजह से विवाद हो रहा है, ये भी आप जान रही हैं कि सारे विवाद के केंद्र वही 22 कमरे हैं. हिंदू धर्मगुरु, तमाम हिंदू संगठन के लोग कहते हैं कि उन्हीं 22 कमरों में भगवान शंकर की मूर्तियां विराजमान है. मुस्लिम कहते हैं उसके नीचे जो है मकबरा है या जो कुछ भी चीजें हैं, इसलिए उसको नहीं. तो मैं कह रहा हूँ कि जो भी चीज हो एक बार उसको खोल दीजिए. हमको इसमें नहीं जाना है कि वो शिव मंदिर है, हमको इसमें नहीं जाना है कि वो मकबरा है. एक बार आप खोल के जो है इतना बता दीजिए कि वो क्या है, ताकि ये जो विवाद की एक संभावना बन रही है वो संभावना सदा सदा के लिए दूर हो जाए. अच्छा, तो आपने ये पेटिशन क्यों फाइल किया है? आपको क्या लगता है कि क्या है इन कमरों में? मुझे लगता है कि मैंने कोई इलीगल मांग कोर्ट से नहीं की है. मैंने माननीय न्यायालय से सिर्फ इतना कहा है कि ये 22 कमरे ही विवाद की जड़ है. अगर आप चाहेंगे, आप इसका हस्तक्षेप, आपका प्रॉपर डायरेक्शन आ जाएगा तो सरकार इसको खुलवा के एक जो सांप्रदायिक उन्माद की स्थिति बन सकती है या बनी हुई है, क्योंकि समय समय पर टकराव होता रहा है, तो उसको दूर किया जा सकता है. मुझे लगता है कि दूर भी कर देंगे. लेकिन रजनीश जी, पहले क्या ऐसी कोई बात हुई है या कोई क्लेम है या कोई एविडेंस है, प्रूफ है आपके पास, कोई डॉक्यूमेंट है जिसके बेसिस पर आप ये क्लेम्स कर रहे हैं कि अंदर हिंदू आइडल्स या स्क्रिप्चर्स हो सकते हैं? पहले आपने कोई जांच पड़ताल करी है? मैंने ये क्लेम नहीं किया है. मैंने पुरानी किताबों का हवाला दिया है कि ऐसा कुछ किताबों में मिलता है कि शिव मंदिर है, कुछ किताबों में और इतिहास में लिखा है कि ये जो है ताजमहल है, किसी की याद में बनवाया गया है. तो इन्हीं भ्रांतियों को दूर कर दीजिए एक बार. अच्छा, मैंने ये क्लेम नहीं किया है कि शिव मंदिर है. आप भी जान रहे हैं कि वहां पे तमाम हिंदू संगठनों ने दावा किया था कि शिव मंदिर है और दावा करते हैं कि उसी 22 कमरों में भगवान शंकर की मूर्तियां दबी हुई हैं. मैं कह रहा हूं अगर ऐसा कुछ नहीं है तो एक बार 22 कमरे खुल जाए, सच सामने आ जाए, ताकि कल को कोई हिंदू संगठन ये ना कह सके कि वहां पे शिव मंदिर था और मुस्लिम ये ना कह सके उसकी जो स्थिति है उसकी और बढ़िया खूबसूरती बरकरार रहे. ओके, ऑलराइट. रजनीश सिंह जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. सो द बीजेपी लीडर हैज फाइल्ड द पिटिशन आस्किंग फॉर द रूम्स इन ताजमहल टू बी रीओपन, सो दैट रीओपनिंग दैट डिबेट ओवर देयर, सो द कोर्ट विल डिसाइड ऑन व्हाट नेक्स्ट. ऑन दैट नोट, वी आर स्लिपिंग इनटू अ शॉर्ट ब्रेक. वी विल बी राइट बैक. टू स्टे विद अस.